नमस्कार दोस्तों, आपने पिंक सिटी जयपुर का नाम तो ज़रूर सुना होगा, जो कि भारत का एक खूबसूरत टूरिस्ट प्लेस भी है। और यहाँ की राजसी इमारतों और महलों के बारे में भी ज़रूर सुना होगा। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पिंक सिटी जयपुर को ये नाम कैसे मिला और क्यों जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कैसे इस शहर का नाम पड़ा पिंक सिटी, और जानेंगे जयपुर के बारे में कुछ ऐसी बातें जो आप आज से पहले नहीं जानते होंगे। अगर आप जयपुर के बाजार में जाएं तो आप देखेंगे पूरे शहर की सारी इमारतें, दुकानें आपको गुलाबी रंग में ही दिखाई देंगी। इसका कारण यह है क्योंकि एक बार 1876 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज एल्बर्ट जयपुर आने वाले थे। उस समय जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह ने उनके स्वागत के लिए पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगवा दिया। पूरे शहर की सड़कें साफ सुथरी करके फूल पत्तियां लगाई गई, क्योंकि गुलाबी रंग मेहमानों के स्वागत को दर्शाता है। और उस समय जिसने भी इस शहर को देखा तो सभी लोग इसे गुलाबी नगर कहने लगे, और तभी से जयपुर का एक नाम पिंक सिटी भी पड़ गया। और अगर आज भी आप जयपुर के बाजारों में जाते हैं तो आपको यहाँ की सारी दुकानें और सारी इमारतें गुलाबी रंग में ही दिखाई देंगी। दरअसल में जो ये जयपुर शहर है, इसको सवाई राजा जय सिंह ने बचाया था। इस जयपुर शहर का नाम उन्हीं के नाम पर जयपुर पड़ा। जयपुर शहर की ज्यादातर इमारतें और किले राजा जय सिंह के समय में ही बनवाए गए हैं। सवाई राजा जय सिंह ने इस शहर की स्थापना 1727 में की थी। उन्होंने जयपुर राज्य पर 1699 से लेकर 1744 तक शासन किया था। शुरू में जयपुर की राजधानी आमेर थी, जो कि जयपुर से 11 किलोमीटर दूर है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत ही बड़ा किला है आज भी जो मौजूद है, और यहाँ इसको देखने के लिए भी काफ़ी लोग आते हैं। और इसके अलावा ये जो आमेर का किला है, ये यूनेस्को की विश्व धरोहर में भी शामिल है। लेकिन बाद में जब यहाँ पे आबादी बढ़ती गई और पानी की कमी के कारण यहाँ से राजधानी शिफ्ट करनी पड़ी, इसके बाद यहाँ से राजधानी को जयपुर लाया गया। और जो ये शहर है जयपुर, इसकी एक खास बात ये भी है कि ये भारत का पहला प्लानिंग से तैयार किया गया शहर है। आपने भारत के और भी कई पुराने शहरों को देखा होगा, लेकिन वो इतनी प्लानिंग से तैयार नहीं किए गए थे जितना कि जयपुर को प्लानिंग से तैयार किया गया है। यहाँ की सड़कों से लेकर इमारतें या बाजार, सब कुछ प्लानिंग से तैयार किया गया था, क्योंकि मराठों के साथ हुए कई युद्धों के बाद सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने अपने शहर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस शहर को बसाया था। सवाई राजा जय सिंह गणित और विज्ञान में भी काफी रुचि रखते थे, और उन्होंने बंगाल के एक विद्वान विद्याधर चक्रवर्ती की सलाह लेकर इस शहर का निर्माण किया था। विद्याधर ने प्राचीन खगोल विज्ञान की पुस्तकों को पढ़कर राजा के साथ इस शहर को बसाने की योजना तैयार की थी। उस समय जयपुर में कई सारी इमारतें बनाई गई थी जिन्हें देखने के लिए आज भी देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, जैसे कि हवा महल, सिटी पैलेस, जंतर मंतर, आमेर का किला, जल महल, जयगढ़ का किला, ऐसी कई सारी इमारतें यहाँ जयपुर में बनाई गई थी। और यही कारण है कि जयपुर आज पर्यटकों को बहुत ही ज़्यादा आकर्षित करता है। लोग देश विदेश से इन राजसी महलों, किलों और इमारतों को देखने के लिए आज भी आते हैं। इसके बाद 19वीं सदी में जयपुर शहर का विकास बहुत ही तेजी से हुआ। 19वीं सदी में इस शहर की आबादी लगभग 1,60,000 थी, जो कि आज लगभग 25 लाख से भी ज़्यादा है। और महाराजा जय सिंह के समय में इस शहर का जो मुख्य उद्योग था वो संगमरमर और धातु निर्माण करना था। जो ये पिंक सिटी जयपुर है, इसकी सुंदरता की तुलना पेरिस से, आकर्षण की तुलना बुडापेस्ट से, और भव्यता की तुलना मॉस्को से की जाती है। तो ये था पिंक सिटी जयपुर का वो इतिहास जिस कारण इसका नाम पड़ गया गुलाबी नगरी। तो जब कभी भी आप राजस्थान घूमने आएं तो यहाँ जयपुर आना बिल्कुल भी ना भूलें, यह जगह आपको वाकई में काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। हमारा आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं। हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम यहाँ पर ऐसे ही जानकारियाँ देते रहते हैं। इसके बाद हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।